दोस्तों बचपन में हमारी प्यारी प्यारी आंखों ने सबसे पहले जिस पक्षी को देखा था वो गौरिया है जिसे हमारे बचपन का सबसे खूबसूरत लम्हा कहा जाता है हम बचपन से लेकर आज तक इस नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया को देखकर ही जवान हुए हैं इस नन्ही चिड़िया की मधुर आवाज किसी खूबसूरत संगीत को दर्शाती है आपको बता दें गौरिया कभी छत पर तो कभी घर की दहलीज पर कभी बालकनी में नन्ही चिड़िया गौरिया की संख्या भले ही कम हो रही है लेकिन इनका घर में आना अत्यंत शुभ होता है क्योंकि गौरिया जितनी खूबसूरत है उसका घर में आना भी बड़ा लाभकारी माना गया है जिस घर में गौरिया होती है वो बड़ा ही सौभाग्यशाली घर होता है क्योंकि उस घर में स्वयं महालक्ष्मी वास करती है और आपके घर के वास्तु का संबंध गौरिया से है क्योंकि गौरिया आपके घर का वास्तु सुधार देती है गौरिया को हमारे जीवन में जितना महत्वपूर्ण स्थान है ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास ने भी राजा दशरथ के घर में गौरिया के घोसले का वर्णन किया है वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में उत्तर दिशा और ईशान कोण में गौरिया अपना घोसला बना लेती है तो ये बहुत ही शुभ होता है घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है पारिवारिक जीवन की दिक्कतें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं वैसे अगर किसी भी जगह पर गौर घोसला बनाती है तो ये अच्छा संकेत माना जाता है कहा जाता है कि जहाँ जहाँ नन्हे चिड़िया गौरिया होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है इस तरह से अगर कहीं भी आपके घर में भी गौर घोसला बना लेती है तो भूल कर भी नहीं हटाना चाहिए क्योंकि गौर आने के दस तरह के वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आपने सुना होगा कि महाभारत काल में भी महारानी कुंती के महल में गौरिया का घोसला बना था वास्तु शास्त्र कहता है कि गौरिया का घर में आना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है इनके आने से जीवन में मधुरता आती है बिगड़ते हुए काम बनने लगते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और अगर गौरिया सुबह सुबह दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है क्योंकि इससे आपका पूरा दिन बेहतर हो जाता है आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है हर कार्य में सफलता मिलती है गौरिया माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी मानी जाती है इसीलिए इसके आने से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं दोस्तों अगर हम दूसरी तरह बात करें तो गौरिया के वैसे तो बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में गौरिया का सीधे तौर पर आना अच्छा होता है शुभ होता है जीवन में सफलता मिलने लगती है जो भी विफलता होती है वह सफल हो जाती है कार्य में सफलता मिलती है और इनका घर में रहना अच्छा होता है तो अगर आपके घर में भी गौर आती है तो वो बहुत ही भाग्यवान है आपको मुबारक हो क्योंकि आपके घर में स्वयं माता लक्ष्मी बास करती है दोस्तों अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी माँ के लिए एक लाइक तो बनता है